क्या यही एक है? अश्विन भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर्स प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत जरूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इन द कॉम्पिटिशन। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक एट द न्यू टैलेंट वेयर वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते रहे, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आवर आईज़ ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप जरूर तैयार करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीजन कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत जरूरी है। इब्रार पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच टू द टेस्ट मैच, तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है, उसके ऊपर काम हो रहा है इस बहुत फिलहाल, तो वो फुल फिगर क्रॉस अलग करके वो तैयार हो। और जहाँ तक आपने बात की शर्जील खान की, शर्जील इज नो डाउट अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लेकिन अगर आप देखें सायम अयूब को, अगर आप देखें फखर जमान को, आप देखें रिजवान को, आप देखें बाबर को, तो यू नो यू हैव ऑलरेडी हैव सम परफॉर्मेंस इन द इन द इन द पाइपलाइन और उनको ऑब्वियसली अगर खुदा ने खास्ता दिया नॉट इन द पार्ट ऑफ द टी20 स्क्वाड तो फिर आगे लोगों को मौका।